हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो बेटा, हम आपके लिए फिर से नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 6। तो आज जो है हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9 से आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। भाई, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपने 2-3 लॉ वहां पढ़े होंगे और यहाँ उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ, फिर अवोगाड्रो लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू के 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से हो सकता है आपके नीट एग्जाम में न्यूमेरिकल आए और आपके 11th क्लास में जो है क्वेश्चन तो यहां से मतलब आते रहते हैं, 2-3 नंबर के सवाल। ठीक है बेटा, पहला बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। देखो, पहला लॉ है बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन में, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, बात कंजर्वेशन का मतलब समझना बहुत जरूरी है बेटा। कंजर्व का मतलब है बचा रहना, जो चीज कभी खत्म नहीं होती है। जैसे लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम कभी खत्म नहीं होता है। जैसे मान लो गोली चलाई आपने, तो गोली चलाने से पहले का मोमेंटम और गोली चलाने के बाद का मोमेंटम दोनों बराबर। जैसे मान लो बम फट गया, तो बम फटने से पहले का मोमेंटम और बम फटने के बाद का मोमेंटम, कोई बॉडी टकरा रही आपस में, कोलिजन से पहले का मोमेंटम, कोलिजन के बाद का मोमेंटम, सभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में काम। मोमेंटम भी कंजर्व है, मास भी कंजर्व है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी भी कंजर्व रहती है, ऐसे मास भी कंजर्व है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यूनिवर्स है, पूरा एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स में क्या है, कोई चीज खत्म नहीं होती है, कभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, बस खत्म नहीं हो रही है। वरना ये तो एक टाइम ऐसा आता कि ये पूरी खत्म ही हो जाती चीज है नहीं है, बस एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास हमेशा कंजर्व होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। रिएक्शन प्रोडक्ट बन, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब हुआ उससे पहले जितना मास था और रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होगा, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इफ रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बेटा इस समय कहलाएगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है ना, तो बेटा ये कहलाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम बेटा एग्जांपल लिख सकते हैं, मान लीजिए बेटा आपके पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा डिकम्पोजिशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, CaO प्लस CO2। सपोज इसका वेट बेटा 100 ग्राम है, मास भी इसका 100 है, इसका 100 ग्राम है, ये कन्वर्ट हो गया, तो बेटा ये मान लो 56 ग्राम बन गया, तो बेटा 100 में से इसको घटाओगे तो ये कितना बन जाएगा, 44 ग्राम बन जाएगा। देखिए, मास कभी क्या हुआ, मास कभी गायब नहीं हुआ, मास कभी खत्म नहीं हुआ, मास बस क्या हुआ है, यहां 100 ग्राम था, रिएक्शन के बाद भी 100 ग्राम ही है, 56 ग्राम CO का मास और बेटा 44 ग्राम इसका मास, CO2 का मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अगला एग्जांपल हम करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास बेटा H2, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। सर बात यह है यहां पर कि आपको रिएक्शन बैलेंस करनी बहुत जरूरी है बेटा। एक हाइड्रोजन का मास 1, तो बेटा 2 का कितना हो गया 2 ग्राम, इसका एक क्लोरीन का बेटा 35.5, तो कितना हो गया 71 है नहीं है, तो ऐसे यहां पे इसका मास भी कितना होगा बेटा 71 प्लस 2, टोटल मास कितना होगा रिएक्टेंट का 73 ग्राम। ऐसे यहां पे कितना हो गया बेटा 2 × 36.5, तो कितना बच गया बेटे 73 ग्राम इसका भी मास आ चुका है। तो ये कहलाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हो सकता है आपको रिएक्शन पूछ सकता है A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D, A और B का मास देगा, C का मास दिया होगा, D का पूछेगा, तो बेटा मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, तो वहां से आप अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब है मास हमेशा कंजर्व रहता है, कभी खत्म नहीं होगा। अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा, चाहे वो ये एग्जांपल हो चाहे वो ये एग्जांपल हो बेटा, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट है इसका, अगर रिएक्टेंट टोटल रिएक्टेंट तो कन्वर्ट हो गया लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना रहा है टोटल, इफ रिएक्टेंट आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट टोटल कंज्यूम नहीं हो रहा है तो रिएक्टेंट का मास तो है मतलब टोटल प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। अरे टोटल मास नहीं कन्वर्ट, टोटल रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट में जितना भी हुआ, तो मास तो रिएक्टेंट का पूरा है इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। तो ये दो पॉइंट मैंने आपको बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास कभी भी खत्म नहीं होता है, मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम कहेंगे ये दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और अगर टोटल क्या कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम नहीं हो रहा है तो मास ऑफ रिएक्टेंट तो पूरा लेंगे इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना प्लस जितना बच गया वो भी आप प्रोडक्ट साइड ही राइट साइड ही इसको भी प्लस करेंगे, तब क्या आएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सवाल कुछ भी आए बेटा आपको ये यूज करना है और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बेटा, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कंजर्व का मतलब समझिए बचा रहता है, जो चीज कभी खत्म नहीं है उसको बोलेंगे कंजर्वेशन, क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन। आया बेटा समझ में, चलिए आगे चलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलिए बेटा हम बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के, मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास समझा चुका हूं, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बेटा इट वॉज गिवन बाय प्राउस्ट, ये कहता है सर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, किसी कंपाउंड को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं लेकिन उसमें जो हर एलिमेंट हर एटम का जो रेशियो है ना वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन चाहे कुछ भी हो उसमें हर एक एटम का जो रेशियो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। अब एग्जाम्पल के अगर हम बात करेंगे बेटा, मान लो आपके पास वाटर एग्जाम्पल है बेटा, मान लीजिए टेप वाटर है आपके पास, है नहीं है टेप वाटर है और आपके पास टैंक का वाटर है, टैंक वाटर आपके पास बेटा, लेक का वाटर है लेक, और आपके पास बेटा पॉन्ड का वाटर है पॉन्ड वाटर। बेटा पानी का सोर्स कुछ भी हो इसमें अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे बेटा, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, बेटा यहां पर 2H और एक ऑक्सीजन हो गया, और बेटा अगर रेशियो की बात करेंगे 2 इसका ग्राम और इसका वेट हो गया बेटा 16, अगर आप डिवाइड करोगे 2 से दोनों को तो बेटा ये आ जाएगा 1:8, ऐसे यहां पर भी आएगा 1:8 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ऐसे ही आपका 1:8 यहां पर भी आएगा वाटर में, ऐसे ही H2O में यहां पर भी कितना आएगा बेटा 1:8। सोर्स चाहे मेरे कुछ भी हो, दुनिया में कितने ही सोर्स आपको वाटर के फॉर्मेशन में होंगे तो बेटा फॉर्मूला तो लास्ट में H2O ही है उसका, तो H2O फॉर्मूला है चाहे टैंक वाटर है लेक वाटर है पॉन्ड वाटर है टेप वाटर है, कंपाउंड का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम ऑक्सीजन 16, तो हम डिवाइड करेंगे तो 1:8 में। तो आज के बाद याद रख लीजिए बेटा, सोर्स चाहे कुछ भी हो आपके जो एलिमेंट का रेशियो है वाटर में हमेशा रहने वाला है 1:8, तो इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। ऐसे आप अमोनिया में कह दो NH3, नाम सुना बेटा NH3, नाइट्रोजन का वेट 14, हाइड्रोजन का रेशियो 3, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने रेशियो में होंगे
14:3 में होंगे। तो अमोनिया के बनाने के जितने मेथड है, हैबर प्रोसेस है या चाहे कोई और प्रोसेस है, अमोनिया में जो एटम का रेशियो होगा, मास का रेशियो जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 14:3 अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, ठीक है ना। तो बेटा ये कहलाएगा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो बेटा न्यूमेरिकल यहां से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं। आपको एक कंपाउंड देगा, दो एक्सपेरिमेंट दिए होंगे, एक में भी रेशियो दिया होगा, दो में भी रेशियो दिया होगा। अब आप उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आप दोनों एटम दोनों कंपाउंड में एटम का रेशियो निकाल लीजिए, अगर सेम रेशियो आ रहा है तो क्या होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट और कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया, सिंपल कॉन्स्टेंट है जो कभी बदलती नहीं है, कॉन्स्टेंट है एटम का रेशियो ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं बढ़िया सा, फिर हम आगे चलते हैं। चले बेटा हम एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक क्वेश्चन है जिसमें दो एक्सपेरिमेंट है, डेटा गिवन है, लॉ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को आपने प्रूफ करना है। पहला एक्सपेरिमेंट है वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग 2.13 ग्राम ऑफ कॉपर विद दिस वन एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.70। इसका मतलब ये कह रहा है जो यहां पर वेट ऑफ कॉपर है, यहां पर हम बात करेंगे वेट ऑफ कॉपर की, वेट ऑफ कॉपर, कॉपर ऑक्साइड। बेटा देखिए वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड बेटा कितने दे रखा है, 2.70 ग्राम, इसमें से कॉपर कितना मिल रहा है, 2.16 ग्राम। तो बेटा वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर बेटा कितना, 2.16 ग्राम। अब आप मुझे बताइए कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड का पूरा वेट 2.70 ग्राम है, कॉपर का वेट आपको गिवन है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन बेटा कितना होगा, बेटा 2.70 माइनस 2.16 ये कितना आ रहा बेटे, ये आ रहा है 0.54 ग्राम। कॉपर का वेट 2.16 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 0.54 ग्राम। अगर आप रेशियो निकालेंगे कॉपर एंड ऑक्सीजन का, बेटा कॉपर का आ रहा है 0.54, ऑक्सीजन का मास था बेटा कितना, सॉरी कॉपर का है 2.16, ऑक्सीजन का बेटा 0.54, बेटा 0.54 से डिवाइड करोगे बेटा ये 4 टाइम कटेगा, ये 1 टाइम, तो बेटा रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1। ये आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कि कॉपर ऑक्साइड का वेट दे रखा था और कॉपर का दे रखा था, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो दोनों का रेशियो निकाल दो, उसके बाद कॉपर एंड ऑक्सीजन का, तो कॉपर एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो आया बेटा 4:1। फिर आप उसको क्या करिए, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप निकालिए कॉपर एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो बेटा आंसर एग्जैक्ट 4:1 ही आना चाहिए। तो बेटा अगले हिस्से में कॉपर ऑक्साइड का वेट कितना है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड बेटा 1.15 ग्राम, जिसमें से कॉपर कितना है, वेट ऑफ कॉपर बेटा 0.92 ग्राम, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, CuO माइनस कॉपर कितना आएगा, 1.15 माइनस का 0.92, ये आएगा बेटा 0.23 ग्राम। अब रेशियो निकाल दो, रेशियो अब जब रेशियो निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर का वेट 0.92, ऑक्सीजन का वेट 0.23, डिवाइड कर दीजिए 0.23 से, बेटा कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम, बेटा क्या आ गया इसका आंसर भी, 4:1। तो एक चीज हम बता दें तुम्हें, गर्मी बहुत है। अब आप देखिए अगर आपको डेफिनेट प्रोपोर्शन का सवाल आता है पेपर में, अगर लॉ ऑफ मल्टी डेफिनेट प्रोपोर्शन या कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया
चाहे आपके दो एक्सपेरिमेंट के हो, चार या पांच या दस, आप आंसर ऐसे ही करके निकालेंगे तो आपका ज्यादा समझ में आएगा और ये मेथड को आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको एक का रेशियो निकाल, एक एटम का वेट निकाल लीजिए, दूसरे एटम का वेट निकालो, दोनों का रेशियो निकाल दो, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी उतना ही रेशियो आएगा, तीसरे में भी उतना ही रेशियो आएगा, चौथे में भी उतना ही रेशियो आएगा, पांचवें में उतना ही रेशियो आएगा तो कहलाएगा। तो आप बोल सकते हैं डेटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था। इससे पहले हमने एक डेफिनेशन बताई थी और एक छोटा सा हमने मतलब बोले तो एग्जाम्पल से भी समझाया था इसको, ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आगे चलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चले हम बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। अब जनरली देखने को क्या मिलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बच्चे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लेकिन हमेशा जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो बच्चे न्यूमेरिकल है उसमें बच्चे फंसते हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को तो मैंने बता दिए, मान लो दो एक्सपेरिमेंट है, तीन एक्सपेरिमेंट है, आपको देखना है एक का मास कितना है, दूसरे का मास कितना है, रेशियो निकालना है, अगले एक्सपेरिमेंट में वैसे करना है आपको, थर्ड में भी वैसे करना है, तो आपका रेशियो आ जाएगा। अब यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन, ये कहता है सर अगर मान लो दो एटम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें एक का जो एक का रेशियो है ना वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा और बाकी सबका रेशियो क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है ना, एक का रेशियो कॉन्स्टेंट, दूसरे का रेशियो वेरी करता रहेगा। तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मान लीजिए ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ मोर देन वन कंपाउंड देन रेशियो ऑफ डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच बियर विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल विच कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो टू द अदर। ठीक है ना, तो यह है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, ये बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए N2O, मान लीजिए N2O2, मान लीजिए N2O3, मान लीजिए N2O5, मान लीजिए N2O4 का फॉर्मेशन कर रहा है, सपोज वाली बात है, इतने कंपाउंड आ रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके, सब में रेशियो लिखो मास का। पहले बेटा यहां पर नाइट्रोजन का 14, दो का 28 ग्राम, इसका बेटा 16 ग्राम, एक नाइट्रोजन का बेटा यहां पर 28 ग्राम, दूसरा ऑक्सीजन का बेटा 16 × 32, ऐसे यहां पर नाइट्रोजन का बेटा 28 ग्राम, ऑक्सीजन का 48 ग्राम, नाइट्रोजन का बेटा 28 ग्राम, ऑक्सीजन का 80 ग्राम, ऐसे यहां पे इसको 4 कर दीजिए और इसको 5 लिख लो, तो ये हो गया बेटा 64 ग्राम, ऐसे बेटा इसका हो गया 28 ग्राम और इसका हो गया 80 ग्राम। चलिए आप समझते हैं इसको। अब आप देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इतने कंपाउंड बनाए, अपने को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करना है। हम बता रहे हैं आपको, फिर बता रहे हैं, जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट दिए होंगे क्वेश्चन करने का सेम तरीका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के जैसा, क्वेश्चन जो है आप लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के जैसा ही करेंगे। रेशियो निकाल दो सबके, यहां पर यह शो होगा, यहां देखिए 16 और 20 28 और 16, यहां देखिए तो कितना आएगा, देखिए यहां पर 28 हमेशा कॉन्स्टेंट है, ये देखिए एक का मास फिक्स है और दूसरा वेरी कर रहा है 16 32 48 64 80 ग्राम। देखिए एक का मास तो फिक्स है, एक का मास फिक्स है और दूसरा वेरी कर रहा है नहीं है, एक का मास बेटा फिक्स है दूसरा वेरी कर रहा है, तो ये कहलाएगा बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ हो रहा है यहां पे, एक का मास फिक्स है देखो 28 ग्राम सब में, दूसरा किस रेशियो में,
1:2:3:4:5 में ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का 28 यहां भी है, सब में 28 है। नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट, ऑक्सीजन का मास वेरी कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक न्यूमेरिकल और करते हैं सिंपल सा। मान लीजिए आपके पास चार एलिमेंट हैं पी क्यू आर एस, एक एलिमेंट है पी, एक एलिमेंट है क्यू, एक एलिमेंट है आर और एक एलिमेंट है एस। ये कंपाउंड बना रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कंपाउंड पी बना रहा है, एक कंपाउंड क्यू बना रहा है, एक कंपाउंड आर बना रहा है, एक कंपाउंड एस बना रहा है। मान लो कार्बन का वेट 20 है या कार्बन का परसेंटेज 20, तो बेटा 20 तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 80 ग्राम या 80%, ये 30, ये कितना हो जाएगा 70, ये 40, ये कितना हो जाएगा 60, मान लो 60% है, ये 50% है, ये कितना परसेंट हो जाएगा 50 मान लो 60 मान लो, ये कितना हो जाएगा 40%। अब आप रेशियो निकाल दो कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो निकालेंगे तो कितना बचेगा 20:80, यहां पे 30:70, यहां पे 40:60, यहां पे 60:40। अब आप देखिए इसको डिवाइड, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 1:4। यहां पे ऐसे इसको 30 से डिवाइड कर दो कितना बच गया 1:7:3। ये लो ऐसे यहां पे 40 से डिवाइड कर दो दोनों को तो कितना बच गया 1:6:4। ये देखिए यहां पर 60 से डिवाइड कर दो सबको दोनों को, देखिए 1:4:6। यहां देखिए पी क्यू आर एस जितने भी कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर एक कंपाउंड पी बन रहा है, दूसरा कंपाउंड क्यू बन रहा है, तीसरा कंपाउंड बेटा आर बन रहा है, चौथा कंपाउंड एस। इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो दे रखा है, देखो हमेशा देखो कार्बन 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 कितने रेशियो प्रेजेंट है 1:4, 1:7:3, 1:6:4, 1:4:6। एक का मास फिक्स है, एक का मास फिक्स है, दूसरा वेरी कर रहा है, एक का मास फिक्स है, दूसरा वेरी कर रहा है। ये कहलाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यह कहलाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां पर जो परसेंटेज में दे रखा है परसेंट बाय मास है, 100 में से कार्बन इसमें 40% है, हाइड्रोजन 60% हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन करने का तरीका, एक का मास निकालो, दूसरे का मास भी निकालिए, दोनों का रेशियो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे सब में निकालो, एक का मास फिक्स होगा दूसरे का मास वेरी करेगा, या एक का रेशियो फिक्स होगा दूसरे का रेशियो क्या करेगा वेरी करेगा, ये कहलाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, तो दो एलिमेंट कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड आ रहे हैं, तो एक का मास फिक्स दूसरे का मास वेरी करेगा, तो ये क्या कहलाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम बात करते हैं बेटा गेलुसेक लॉ। अब तो गेलुसेक लॉ ये कहता है सर, पहले बात ये केवल और केवल गैसेस रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम का रेशियो होता होगा। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही मोल का रेशियो बताता है, वही आपका वॉल्यूम का, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। यहां पर वॉल्यूम की बात चल रही है बस। द गैसेस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, बस बात खत्म। बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इसका आगे वन, इसका आगे वन, इसका आगे टू, इसका मतलब मोल बात करें, वन मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद वन मोल ऑफ Cl2 गिव्स आउट टू मोल ऑफ HCl, कह सकता हूं। तो 1:1:2 ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, वॉल्यूम का रेशियो मैं क्या बोलूंगा, मैं हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है 1, क्योंकि गैस का सिर्फ वॉल्यूम हो सकता है। यहां पे इसका भी कितना वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम है, और इसका कितना वॉल्यूम फॉर्मेशन हो रहा है 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गिव्स आउट 2 वॉल्यूम ऑफ HCl।
अब आप देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फिर बताते हैं इसका ट्रिक यही है, रिएक्शन को बैलेंस करिए, जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो आएगा, मतलब 1:1:2, इनको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, जो इनका रेशियो आएगा वही वॉल्यूम का रेशियो भी होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3, इसका आगे कुछ नहीं बेटा 1, इसका आगे 3, इसका आगे 2, दे आर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड दे आर द रेशियो ऑफ देयर मोल्स, और यही इसके वॉल्यूम के रेशियो भी होंगे, तो हम क्या कहेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव्स आउट 2 वॉल्यूम ऑफ NH3, तो यह इसका वॉल्यूम का रेशियो है और यही केलिसेक लॉ है। पहचानने का तरीका केवल और केवल गैसेस रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरा, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होगा रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद, वही वॉल्यूम का रेशियो होगा और यही क्या होगा गैलुसेक लॉ होगा। ठीक है, लास्ट तो बच गया लॉ ऑफ अवोगैड्रो, मतलब अवोगैड्रो लॉ। चलिए बेटा हम बात करते हैं अवोगैड्रो लॉ की। अवोगैड्रो साहब ने मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में रेशियो के बारे में बात किया था, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम फिर आपको बता दें, पहली बात आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, दूसरी बात जो उनका स्टोइकोमेट्रिक का रेशियो होगा वही उसका वॉल्यूम का रेशियो भी होगा, वही उसका मॉलिक्यूल का रेशियो भी होगा, क्योंकि अब अगर तुमने ये बताया इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप मुझे बताइए इसका आगे 1, इसका आगे भी 1, इसका आगे 2, 1:1:2, इसका मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2, और कितने वॉल्यूम का फॉर्मेशन कर रहा है 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप मुझे बताओ मेरे बच्चों, तो बेटा इसके नंबर मॉलिक्यूल भी कितने होंगे 1n मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम इसको, 1n मॉलिक्यूल, इसके भी कितने n मॉलिक्यूल 1n मॉलिक्यूल, इसके भी कितने मॉलिक्यूल 2n मॉलिक्यूल, 1 वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल, 1 वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल, 2 वॉल्यूम 2 मॉलिक्यूल, ऐसे ही आप किसका एग्जांपल कर सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3, बेटा इसका आगे 1, इसका आगे 3, इसका आगे 2, तो क्या बोलो 1 मॉलिक्यूल, इसके कितने हो गए 3N मॉलिक्यूल, इसके कितने हो गए 2N मॉलिक्यूल, क्योंकि यही रेशियो इनका वॉल्यूम का भी है और यही रेशियो इसका मॉलिक्यूल का भी होगा। ठीक, तो अवोगैड्रो ने ज्यादा कोई बात नहीं कही, अगर अवोगैड्रो गैलुसेक लॉ ही बोल देता, गैलुसेक लॉ यही बोल देता कि जो वॉल्यूम का रेशियो है वही इसका मॉलिक्यूल का रेशियो भी होता, तो आपको यह नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है ना, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ट्रिक यही है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, जो उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही वॉल्यूम का रेशियो वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो भी होगा, लेकिन ये मास केस में एप्लीकेबल नहीं है, मास के केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसका मास कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और आ जाएगा, ये तो वॉल्यूम का रेशियो 1:1:2, मास का रेशियो तो कुछ और आ जाएगा मास का रेशियो। ठीक है ना, तो मैंने आपको 5 के 5 लोग बता दिए, तो बाकी आपको देखना है, घर पर रिविजन करते रहे। ठीक, पहला लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसेक लॉ और अवोगैड्रो लॉ। ठीक है ना, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।